सत श्री अकाल पंजाब प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ शुरू करते हाँ यह सफ़र तो देखते हाँ पंजाब प्राइम च अज दियां वड्डियां खबरां। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों नाल मीटिंग करके उन्होंने यूनिवर्सिटियां के विद्यार्थियों के लिए नवे होस्टल बुलाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं ता जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के विच किसी किस्म की कमी ना आ सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्वीट के राही यह जानकारी साझी की है कि उन्होंने वालों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की रूपरेखा को लेकर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के नाल एक मीटिंग की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन अधिकारियों को यूनिवर्सिटी दियां तैयार इमारतों की मुरम्मत करवाने की भी हदायत की है। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए नवे होस्टल के नवीनीकरण का काम शुरू किया जाए ता जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के किसी किस्म की तंगी या परेशानी ना आवे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के हेठ पंजाब के विद्यार्थियों के लिए सिक्ख्या का म्यार सुधारिया जा रहा है जिसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी के भी विद्यार्थियों की सहूलत लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी साड़ी विरासत है, इस दे लई पंजाब सरकार हमेशा हर संभव मदद मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि असी चाहते हाँ कि पंजाब दे विद्यार्थियों नू चंगी सिक्ख्या हासिल हो सके जिस दे लई उन्हां दी सरकार हर यतन कर रही है। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने बरनाला विधानसभा के वक्-वक् पिंडां च विकास कार्यां दे कम्मां दा उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर वल्लों 40 लाख की लागत नाल तैयार ब्रिगेडियर बलविंदर सिंह शेरगिल यूथ लाइब्रेरी दानगढ़ वासियां नूं समर्पित की गई और जोधपुर विच जल संशोधन प्लाट विच भी हैल्थ वैलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर वल्लों बरनाला दे वक्-वक् पिंडां दे विच नवीं इमारतां दे विकास कार्यां दा उद्घाटन कीता गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने लोगों नूं संबोधन करदे होए यह जानकारी दित्ती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई हेठ पंजाब दे विच लोगों की सहूलत दे लई नवीं नीतियां लागू कीतियां जा रही हैं जिसके चलते हुए ही बरनाला जिला के पिंड हंडियाई विच एक नवे हैल्थ वैलनेस सेंटर के निर्माण काम का उद्घाटन किया गया है। पिंड जोधपुर के विच एक छप्पड़ नूं तब्दील करते हुए थापर मॉडल की नवी इमारत का नींह पत्थर रखा गया है। पिंड दानगढ़ विच एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और इस नाल ही वक्-वक् पिंडां दे विच चार नवीं धर्मशालावां दे निर्माण काम भी शुरू किए गए हैं। इन्हां विकास कार्यां दे लई पंजाब सरकार वल्लों राशि भी जारी कर दित्ती गई है। वक्-वक् जगह ते वक्-वक् जिहड़े कार्ज आ उन्हां दे नींह पत्थर रखे जा रहे हैं। एक लाइब्रेरी का दानगढ़ विखे जिहड़ा उद्घाटन है वह होयागा। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच लोकां नूं बुनियादी सहूलतां मुहैया कराउण दे अपने मंतव नूं पूरा करदे होए मुख्यमंत्री भगवंत मान दी सरकार वल्लों इह उपराले लगातार कीते जा रहे हन। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस नंगल पहुंचे। इस मौके ते उन्हां वल्लों प्रशासनिक अधिकारियों दे नाल एक विशेष बैठक की गई अते कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस वल्लों हर स्थिति तों निजिठण दे लई सारियां व्यवस्थावां दी समीक्षा भी की गई। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल शहर दे विच नहरां अते नदियां दे नाल लगदे नीवे इलाकियां दा दौरा कीता। इस दौरान पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उत्थों दे सारे अधिकारियों दे नाल भी समीक्षा बैठक कीती। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पत्रकारां दे नाल गल्लबात करदे होए निर्देश जारी कीते हन कि पंजाब दे विच पिछले दिनी मीह अते हड़ वर्गी कुदरती आफत दे कारण लोकां दा काफी नुकसान होया है पर इस कुदरती आफत दे उपर किसे दा भी जोर नहीं चल सकता। उन्हां कहा कि पर मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगुवाई विच पंजाब सरकार इह उपराले कर रही है कि अगली वार तों जेकर इह आफतां पंजाब दे उपर आउण तां इस नाल कीवें निजिठिया जाणा चाहीदा है। इस लई पंजाब सरकार लगातार नवीं नीतियां तैयार कर रही है। उन्हां कहा कि इस दे लई मुख्यमंत्री भगवंत मान आप इन्हां इलाकियां दा दौरा कर रहे हन जिथे हड़ दी मार लोकां नूं झलणी पई है। इस लई उन्हां वल्लों अधिकारियों के नाल लगातार मीटिंग करके राहत कार्यों के विच तेजी लियाउण नूं लै के हदायतां जारी कीतियां गईआं हन। जिवें सीएम साहब ने आख्या कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है जी, कोई भी इदां दी घबराण दी लोड़ नहीं है। कंट्रोल रिलीजिज होणगे, कोई इदां दे जिवें किसी अफवाह च आउण दी लोड़ नहीं। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब दे विच नदियां अते दरियावां दे किनारियां ते रहिंदे परिवारां दे घरां दी सुरक्षा वधाउण दे लई भी
पंजाब सरकार वालों अधिकारियों नूं निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों नूं पता है कि कुदरती आफतां अगे किसी का भी जोर नहीं चलता, पर फिर भी अगां तों इन्हां बचाव लई सावधानियां वरतन लई सरकार पहलकदमियां अपना रही है। उन्होंने लोगों नूं भी यह हदायत की है कि हुण पंजाब विच स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है और मींह के आसार भी हुण घटते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों नूं व्यर्थ दीआं अफवाहां तों भी दूर रहने की अपील की है। पंजाब प्राइम चार्ज इन्ना ही, सानू दिओ इजाजत, बाकी खबरों लई तुसी बने रहो MH1 न्यूज़ दे नाल। सत श्री अकाल।